जैन अनुष्ठान चैनल को सब्सक्राइब करें। जैन धर्म की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दशहरे का पर्व, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली खुशहाली, विजयादशमी, विजय की प्राप्ति, अखलूट लक्ष्मी की प्राप्ति हर व्यक्ति को प्राप्त करे। हर व्यक्ति के चेहरे के ऊपर जबरदस्त मुस्कान आए, हर व्यक्ति के जीवन के अंदर स्थिरता आए, इसके लिए हर व्यक्ति को विजयादशमी की उपासना करनी चाहिए। ये दिन आपको खास करके भक्तामर का पाठ करना चाहिए। आपके घर के अंदर संध्या समय आप एक एक गाथा बोलते जाते हो, एक एक दीपक को प्रकट करते रहते हो, तो पूर्ण रूप से आपका घर पवित्र हो जाता है। पूर्ण रूप से आपके घर के अंदर जितने भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है, परम विजय की प्राप्ति होती है। ओम रीम नमः, ओम रीम नमः, इनका ज़्यादा से ज़्यादा जाप, अलग अलग प्रकार के 11 फल और 11 नैवेद्य आपको समर्पित करना है। माता महालक्ष्मी जी का घर के अंदर आवागमन हो, आपके घर के अंदर महालक्ष्मी जी का फोटो है, श्रीयंत्र है या लक्ष्मी जी की चरण पादुका है, उन सभी की पूर्ण रूप से पंचोपचारी पूजा करते करते, भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते हुए, शक्कर का दान करते हो, खीर का दान करते हो, महालक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर आप दर्शन करते हो, तो ये छोटी छोटी आराधना आपको परम विजय को प्रदान करती है। अष्टगंध का आप तिलक करते हो तो जहाँ पर भी आप जाते हो एक आपके शरीर में पूरी तरह से पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है, तो ये विजयादशमी की आराधना परम मंगल को प्रदान करे। साथ साथ में आप ये 10 दिन दरमियान कहीं ना कहीं आपको गुप्त दान करना है, जो भी आपकी शक्ति हो आप गुप्त दान करते हो तो आपकी पूर्ण रूप से जप भी हो जाता है, तप भी हो जाता है, साथ में आपकी दान दक्षिणा भी हो जाती है। साथ साथ में ये दशहरा से लेकर के पूनम तक रोज़ आपको चांद का दर्शन करना है। रोज़ आपको सिमंदर स्वामी जी भगवान को, जिनको मानसिक प्रॉब्लम बहुत है, जिनका कर्जा बढ़ गया है, जिनको रात को नींद नहीं आती है, जिनको बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, वो 15 दिन पूर्ण रूप से धीरे 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 चंद्र बढ़ता रहता है और वो चंद्र की चांदनी आपकी बॉडी को पूर्ण रूप से शुद्ध करती है। तो इसी प्रकार से ये 10 दिन की आराधना आपके जीवन के अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार करे। ये 10 दिन दरमियान ये सब आराधना तो करनी है, साथ साथ में किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी के बारे में ना बुरा बोलना है ना बुरा सुनना है, बस ज़्यादा से ज़्यादा माता रानी की भक्ति, परम तत्व की भक्ति करते करते परम ऐश्वर्य को आप सब लोग प्राप्त करो, यही मंगल कामना। और भी आपको कभी भी ज्ञान साधना करनी है, विशिष्ट प्रकार की बीज मंत्रों का जाप करना है, आप हमारी संस्था का अवश्य संपर्क कर सकते हो।